अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल बगदाद हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस, बादशाहों वाली फील आती है। माशाल्लाह, कब से कर रहे हैं ये? परफ्यूम और अतर में फर्क क्या है? पूरी जगह पे फैल जाए, लोग हमसे पूछे कि हमने कौन सी खुशबू लगाई। इनमें से भी जो सारे फरिश्ता है वो कौन सी है? इनमें से जो ये किबलातुल वफा, आपने भी परफोंडो, ठीक है, और ये भी ये काटिया पाशा, ये ऊद की वैरायटी में है। इसका एक पेज भी है, वेबसाइट भी है। दूसरे सिटी से कोई खरीदना चाहे वो ये बर्नर होते हैं। सही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ भवाना बाजार में, अल बगदाद हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस। चलिए आइए, मिलते हैं इनसे। अस्सलामुअलैकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़े अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं, अंदर आते ही बंदे को एक ना बादशाहों वाली फील आती है, ऐसे ही है? जी, अच्छा, आप माशाल्लाह कब से कर रहे हैं ये काम, अतर वगैरह का और परफ्यूम का? 1997 से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फैसलाबाद में 2-3 ब्रांचेज हैं, एक कमिंग सोन है। अच्छा अच्छा, वो जो कमिंग सोन है वो कहाँ पे बन रही है आपकी ब्रांच? डी ग्राउंड रीजेंट मॉल में बन रही है। रीजेंट मॉल डी ग्राउंड में, अल बगदाद के नाम से। अच्छा, नाम भी बड़ा यूनिक सर, अतर की वो अरब से ही है? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे दिखाइएगा आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज मौजूद हैं इस टाइम? वैसे तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल होती हैं, जैसे वर्ल्ड के जितने भी फेमस ब्रांड है सबकी फ्रेग्रेंस अवेलेबल होती हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे गुच्ची के हो गए, बरसाची के हो गए, शनैल के हो गए, या क्रीड के हो गए, जो बहुत ज्यादा चलती है खुशबू में। उनके अलावा अरेबिक में तकरीबन तमाम वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल होती है इतर फॉर्म में। ठीक है, तो अगर कोई हमसे इतर लेना चाहे वो भी मिल जाएगा, परफ्यूम बनवाना चाहे तो वो भी मिल जाएगा। अच्छा, आपके पास जो परफ्यूम होता है वो नॉन अल्कोहल होता है? नॉन अल्कोहल भी होता है, अल्कोहल भी होता है, डिमांड भी होता है। अगर किसी ने नॉन अल्कोहल लेना तो वो भी मिल जाएगा, अल्कोहलिक लेना तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, परफ्यूम और अतर में फर्क क्या है? फर्क इसमें कह लें कि सही मायनों में इसे लगाने का फर्क है, वैसे कोई फर्क नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम की भी वही है, इतर की भी वही है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो इतर लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, सिर्फ लगाने का तरीका चेंज होता है, बाकी इनमें डिफरेंस कोई नहीं। डिफरेंस कोई नहीं, लास्टिंग का कोई फर्क होता है इसका या एक जैसी होती है? लास्टिंग तकरीबन मिनिमम 8 आवर होती है। ठीक है, जो लास्टिंग होती है ऑफिस टाइम पे होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई खुशबू मौसम के हिसाब से या लोगों के जिस्म के हिसाब से, कुछ खुशबुएं होती हैं जो किसी बंदे को बहुत ज्यादा सूट करती हैं, उनपे ज्यादा लास्टिंग रहती है, उनके कपड़ों पे उनपे, तो इस वजह से कुछ लास्टिंग कम ज्यादा हो जाती है। बाज़ुकात इसकी जो वारंटी होती है वो मिनिमम 1 डे होती है, 8 आवर की। अच्छा, वो जो कहते हैं कि एक दफा लगा लें अपने कपड़ों पे, कपड़ा धो दें, एक हफ्ता पूरा फ्रेग्रेंस नहीं जाएगी, इसमें कितनी सदाकत है इस बात में? होती है, बहुत सारी खुशबू में होती है ऐसी जो लॉन्ग टाइम चलती है। लेकिन जो इंटरनेशनली टाइम है, जैसे अब हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, बाज लोग ये सोचते हैं कि महंगी खुशबू होगी तो उसकी लास्टिंग भी ज्यादा होगी, ये मामला बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी हैं जो सस्ती खुशबुएं होती हैं जिनकी टाइमिंग 2-2 दिन तक भी रहती है। बिल्कुल, लेकिन जो इंटरनेशनली लेवल पर जो टाइमिंग चलती है वो मिनिमम 8 आवर होती है, हम वारंटी भी 8 आवर की ही देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जो है, स्टैंडर्ड टाइम की। खुशबू ज्यादा देर तक रह जाए तो रह जाए, ये भी बात एक क्लियर हो गई, आपके सूट करने पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी खुशबुएं होती हैं, एक बंदे पे लास्टिंग और है और दूसरे बंदे पे लास्टिंग और होगी। जैसे एक बंदे पर एक दिन रह रही है तो दूसरे बंदे पे 2 दिन भी रह सकती है। सही है, वो जिस्म की अपनी स्मेल की वजह से भी खुशबू पर बहुत सारा फर्क पड़ता है। अच्छा, ये भी मतलब मैकेनिज्म है इस चीज का? बिल्कुल बिल्कुल, जिस्म की अपनी स्मेल पे भी बहुत ज्यादा, इंसान के जो केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं उनके साथ मिक्स होके वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। आपको टेस्ट भी करवाऊंगा, बहुत सारी खुशबुएं, बल्कि सभी खुशबुएं जो मेरे हाथ पे लगाएंगे वो खुशबू और होगी, आपके हाथ पे लगाएंगे खुशबू और होगी। सही, इसमें बाज़ुकात लोग कहते हैं कि उस बंदे ने लगाई थी खुशबू वो बहुत अच्छी थी, केमिकल रिएक्शन है ये किस्म का। जब वो उनको चेक करवाते हैं तो नहीं, उन्हें पसंद नहीं आती वो। सही हो गया, वो बाज का लगाने के बाद खुशबू फैलती है, फिर उसके आधा पौना 2 घंटे बाद उसकी जो खुशबू निकलती है असल खुशबू वो होती है। सही है, तो ये लगाने के बाद बंदे को पता चलता है, ये केमिकल रिएक्शन हो गया ना एक किस्म का। अच्छा, वो मुझे बताइएगा कि कुछ लोग मिक्स करके फ्रेग्रेंस को वो बनवाते हैं, क्या वो ठीक रहता है या क्या सिस्टम है उसका? हमने कभी किसी को मशवरा नहीं दिया कि वो मिक्स करवा ले। अच्छा,
क्योंकि वो अपने खुद लोगों ने ट्राई की होती है, वो आके हमें बोल देते हैं, हम कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें भी कहते हैं कि सिंगल खुशबू लगाएं तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ। मिक्स करवा के वो इतना बनता नहीं, क्योंकि एक बार बन जाएगी दूसरी बार वो चेंज हो जाएगी खुशबू। अच्छा, मेरे सुनने में आया कि ये इनकी भी ग्रुपिंग हो, ब्लड के जो ग्रुप होते हैं पॉजिटिव हो नेगेटिव, अगर वो मिक्स कर दें तो वो रिएक्शन कर जाता है, इनका भी इसी वजह मिक्स करें तो नोट्स होते हैं, जैसे खुशबू मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर एक खुशबू बनती है, इनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो उनका भी वो कह लें कि बहुत हिसाब होता है कौन सा इंग्रेडिएंट्स किसके साथ मैच करना है, तो वो इस हिसाब से पूरी एक साइंस है, नॉलेज है जो है ना, थोड़ी साइंस है। कलर से मिक्स करेंगे तो फ्रेग्रेंस वो अगली भी जाती रहेगी, पता है अजीब सा एक मिक्सचर बन जाएगा। चले ठीक हो गया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। चले अब हमें बताएं और दिखाएं जो है ना आपके पास जो वैरायटी मौजूद है उसके बारे में। आपको ये आप दिखा रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी खुशबुएं हैं हमारे पास, लेकिन ये जो मौसम के हवाले से, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी है तो उस हवाले से जो खुशबुएं बेस्ट चल रही हैं, जिनको लोग पूछते हैं कि ये हमने लगाई है खुशबू और पूरे हाल में फैल जाए या पूरी डिमांडिंग पूरी जगह पे फैल जाए, लोग हमसे पूछे कि हमने कौन सी खुशबू लगाई हुई है, ठीक तो है। ये वो वाली खुशबुएं मैंने निकाली हुई हैं, वो अपने कस्टमर्स को। इनमें से भी जो सारे फरिश्त है वो कौन सी है? इनमें से जो ये किबलतुल वफा, आपने भी का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत ज्यादा चलती है ये खुशबू। और एक डीजीओ परफोंडो, ठीक है, और ये भी इस मौसम में बेहतरीन है। और ये काटिया पाशा, ठीक हो गया। ये सारी चीजें जो रेगुलरली बहुत ज्यादा चलती हैं हमारी, और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है माशाल्लाह। ये ऊद की वैरायटी में है, ये ऐसी फ्रेंच की वैरायटी में है, बाकी सब। अच्छा, आपकी सबसे जो छोटी बोतल होती है 12 ml की होती है, तो लेके 3 ml से स्टार्ट होती है वो जो टेस्टर के तौर पर होती है, उसके अलावा 6 ml होती है, 12 ml होती है। 12 ml जो है इनकी प्राइस मुझे साथ साथ बता। 1 ml जो है 700 रुपए है इसकी, ये 12 ml ऊपर लिखी हुई है इसकी प्राइस, बाकी सबके ऊपर इनकी ना प्राइसेस लिखी हुई है 12 ml की। ये जी 12 ml की बोतलें जो है ना, आपको ये रेट्स लिखे हुए इनके, इसमें मिल जाएंगी आपको। आप दूसरों से डिफरेंट क्यों हैं, क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चीजें इम्पोर्ट करते हैं खुद। कहाँ से इम्पोर्ट करवाते हैं आप? यूरोप कंट्री से होती है, ये सारी यूरोप कंट्री से बनती है। ठीक हो गया। तो हम खुद इम्पोर्ट करते हैं, और जैसे कि एक दुकानदार ने एक खुशबू रखी होती है, हमारा ये काम है कि अगर कोई रेगुलर चलती है खुशबू मार्केट में, बहुत ज्यादा इन है वो, तो उसका हमें टॉप वर्जन चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीज प्रोवाइड हो, जो 100% परफ्यूम के साथ मैच हो, ओरिजिनल परफ्यूम के साथ। ठीक है। अब जैसे क्रेड में आ जाए, मैं आपको क्रेड का एक खुशबू चलती है अवेंटस, सबने नाम सुना होगा यकीनन इसका, अवेंटस क्रेड। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें हमारे पास 3 qualities अवेलेबल। ठीक है। सेम नाम की 3 qualities, एक 1100 रुपए तोला है, एक 2600 रुपए तोला, और एक 3600 रुपए तोला। जो 3600 रुपए तोला है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कहीं और से अवेलेबल नहीं होगी, मतलब ओरिजिनल होगी, फुल 100% परफ्यूम के साथ मैच होगी। ठीक हो गया। तो उसकी मार्केट में और सारी बहुत सारी खुशबुएं चलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्योर क्वालिटी की खुशबू होती है, हम बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, इसलिए अच्छी से अच्छी हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छी से अच्छी चीज हमारी शॉप पर हो, और हमारा कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो हमारी क्वालिटी से। मेन चीज तो यही होती है कि आपका कस्टमर हैप्पी है तो नेक्स्ट और भी कस्टमर आपके आएंगे, और अल्लाह भी आपके काम में बरकत डाले। बहुत बड़ी क्वालिटी है, स्पेशलिटी कह लें कि ओरिजिनल चीज, जो चीज होती है कस्टमर को बता के वही चीज उनको सेंड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी लेते हैं, जो चीज ऊपर लिखी है, दिखाते कुछ है बेचते कुछ है, ऐसा मामला हमारे पास नहीं है कि हम जो चीज दिखाएंगे उसकी पहले कह ले कि हम, हमारी ये कोशिश होती है कि अगर कस्टमर खुद भी कोई चीज डिमांड करता है तो पहले उससे पूछते हैं कि उसे पसंद क्या। खास चीजें होती हैं जो हमें लगता है जो शख्स है इसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर सूट नहीं करेंगी, तो हम उसे नहीं डिलीवर करते, चाहे वो लाख रुपए की क्यों ना हो। सही सही। क्योंकि बाद में हमें भी लॉस होगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा, हमें रिटर्न करेगा, तो कस्टमर को उसके मैकेनिज्म का नहीं ना पता कि ये केमिकल रिएक्शन है कि आपकी बॉडी की जो खुशबू है उसके साथ मिक्स होके जो है ना एक अच्छा रिएक्शन देती है, वो एक साइंस है, वो कस्टमर को तो नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है आपने डिलीवर करनी होती है ये बातें, ये बहुत अच्छी बात है। डिलीवर करने के बाद अगर किसी को नहीं पसंद आती खुशबू तो वो हमें रिटर्न कर सकता है, कैश बैक पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है।
कोई इशू नहीं है, रिटर्न कर सकते हैं। आपका एक पेज भी है, वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है, हमारा व्हाट्सएप पे भी अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो हमारे नंबर पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह ये एक ब्रांड बनता जा रहा है। दूसरे सिटी से कोई खरीदना चाहे वो पेज से कर सकता है, कोई आपका सोशल मीडिया या व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर कर दें। फेसबुक पेज है अलबगदाद फ्रेग्रेंस के नाम से, और हमारी वेबसाइट है जो www.albagdad.com हमारी वेबसाइट है, और अगर कोई व्हाट्सएप पे हमसे राबता करना चाहे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03028419626 और दूसरा नंबर है 03007256262626। हमजा भाई ये क्या चीज है? ये बर्नर होते हैं। सही है, तो खुशबू के लिए बखोरदान बोलते हैं। अच्छा, तो ये इनमें इलेक्ट्रिक भी होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी होते हैं। ठीक, बखोर यूज होता है और कोयला यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक है वो तो उसमें सिर्फ बखोर यूज होगा, जो नॉन इलेक्ट्रिक है उसमें साथ कोयला यूज होता है। ये खुशबू के लिए होते हैं, अपने ऑफिस में, हॉल में, घर में, कमरे में, कहीं पे भी रख सकते हैं। प्रेशन पीस भी अच्छा है और साथ खुशबू भी देगा आपको। अच्छा, ये तो ज्यादातर मैंने देखे मूवीज में, अरब कल्चर जैसा लग रहा है, अरब में ऐसे जो है ना उन्होंने रखे होते हैं। फायर भी होते हैं जिनमें इतर यूज होता है, इतर और पानी यूज होता है। ये इलेक्ट्रिक है? ये इलेक्ट्रिक है। हाँ, ये भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छी रेंज। आप विजिट करें वाना बाजार फैसलाबाद अलबगदाद हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस पे, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी के इत्र आपको मिलेंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।